हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शॉप 101 एप्लीकेशन में शॉप 101 क्रेडिट्स यूज कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शॉप 101 एप्लीकेशन ओपन करना होगा। जब आप शॉप 101 एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको थ्री लकीर पे क्लिक करना होगा ऊपर पे। जब आप थ्री लकीर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं शॉप 101 क्रेडिट्स 201 रुपया है, ठीक है। तो हम इसे कैसे यूज करें, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसे आप ऑर्डर करना चाहते हैं। मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रोडक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं जो कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट सेलेक्ट, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम और ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट करते हैं फिर भी आप शॉप 101 क्रेडिट्स यूज कर पाएंगे, आपको नीचे चले जाना है। नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। तो ऑनलाइन और शॉप 101 क्रेडिट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शॉप 101 क्रेडिट डिस्काउंट आ जाएगा। पहले एक प्रोडक्ट का प्राइस था 456 रुपया, ठीक है। उसके बाद शॉप 101 क्रेडिट डिस्काउंट मिला 36 रुपया, तो टोटल हो गया 420 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आप शॉप 101 क्रेडिट्स डिस्काउंट पा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि शॉप 101 संबंधित सारी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम।